जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी में जिसे हम लोग ब्लड बोलते हैं, हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, और उर्दू में क्या बोलते हैं, लहू बोलते हैं। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है और ब्लड का कार्य क्या होता है, इस पूरी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड हमारा एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड क्या होता है, तो इस तरह समझिए, अगर किसी चीज़ को, अगर किसी वस्तु को या किसी चीज़ को छाना जाता है तो उसके ऊपर जो कुछ भाग लग जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड कहते हैं। कोलाइड की डिफिनेशन नहीं है, मान लीजिए केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ लेंगे। दूसरा क्या है, ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू, यानी वे ऑर्गन्स या वे वस्तु जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखती है, यानी जोड़ के रखती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं। यानी ब्लड भी एक संयोजी ऊतक का कार्य करता है। दूसरा देखते हैं ब्लड का पीएच मान। तो जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, और 7.4 होने के कारण क्या होता है, 7.4 होने के कारण ये क्षारीय होता है। और ब्लड मेल में ब्लड की जो मात्रा होती है वो 5.5 लीटर होती है, और फीमेल में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5 लीटर होती है। ये अनुपात देखिए कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। हमसे लोग एक लोग पूछे थे कि ये क्यों ऐसा कम और ज़्यादा होता है, तो कोई कहा कि महिलाओं में शादी के बाद खून पीने की आदत रहती है, इसलिए क्या होता है, महिलाओं में ब्लड कम होता है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है। देखिए, महिलाओं में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए उसमें ब्लड क्या होता है, कम पाया जाता है। आगे हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब ब्लड का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण अगर हम वयस्क नर में देखें, एडल्ट मैन में देखते हैं, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में, जो हड्डियों के बीच पाया जाता है बोन मैरो, उसी में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। अगर वहीं बात की जाए भ्रूण में, यानी भ्रूण, अब भ्रूण की बात की जाए, तो अब देखिए चाहे वो 1 माह का भ्रूण हो, वो चाहे 9 माह का भ्रूण हो, मतलब चाहे 1 महीने का भ्रूण हो या चाहे 9 माह का भ्रूण है, वो भ्रूण ही रहेगा जब तक कि उसकी डिलीवरी ना हो जाए। तो जो भ्रूण में बच्चा पल रहा, तो उसमें हड्डियाँ तो कमज़ोर रहेंगी, तो उसमें क्या ब्लड आसानी से, मतलब ब्लड तो हड्डियों में बनेगा नहीं, तो उसमें जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता। तो ये सब हो गई ब्लड की सामान्य जानकारी। अब आइए देखते हैं ब्लड का स्टोरेज, यानी ब्लड कहाँ एकत्र होता है। तो ब्लड स्टोरेज हमारा होता है प्लीहा में। कहाँ होता है, प्लीहा में, या इसी को हम लोग तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं। और इसी को बोला जाता है ब्लड बैंक, यानी ब्लड का स्टोरेज प्लीहा व तिल्ली। और जो ब्लड का कब्रिस्तान भी किसी को बोल दिया जाता है, प्लीहा या तिल्ली को, क्योंकि ब्लड सबसे ज़्यादा पाया भी वहीं जाता है। और जब WBC, RBC और प्लेटलेट्स मर के और पहुँचते कहाँ हैं, वो प्लीहा में ही पहुँचते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। हमारे ब्लड में यानी हमारे शरीर में, ब्लड में अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है 20 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो चिकना तरल पदार्थ होता है या चिपचिपा पदार्थ होता है, इसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर जैसे काजू बादाम किशमिश बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाएगी, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आने की क्या रहेगी, संभावना बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे शरीर में। दूसरा देखिए हीमोग्लोबिन। जैसा कि भी पहले बताया हमने कि हीमोग्लोबिन क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक, हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन जो RBC में यानी ब्लड का रंग लाल क्यों होता, तो हीमोग्लोबिन नामक विटामिन पाई जाती है, जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब मेल में हीमोग्लोबिन देखिए 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। ये डेसीलीटर यूनिट होती है लिक्विड के मापने के लिए। ठीक, आप केवल 14 ग्राम याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही फीमेल में क्या पाया जाता है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। देखिए, जब हीमोग्लोबिन मेल में ज़्यादा पाई जा रही है और फीमेल में कम पाई जा रही है, तो जिसमें जिस हीमोग्लोबिन की मात्रा जितना अधिक होगी उसमें क्या होगा, उतना ही ब्लड पाया जाएगा। यही कारण है कि महिलाओं में ब्लड क्या होता है, कम पाया जाता है। यदि आप अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाना चाहते हैं तो चिकनोपोडियल
किसका पौधा? चिनोपोडियल नामक एक पौधा आता है, अगर इसको हिंदी बोले तो बथुआ, क्या बोला जाता है? बथुआ। बथुआ का आप सेवन करें, आपके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बथुआ में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जी ने रक्त परिसंचरण की क्या की? खोज की। अब आइए देखते हैं ब्लड के कार्य, यानी रक्त जो है कौन कौन से कार्य करता है। तो ब्लड जो हमारा होता है, पहला कार्य होता है ताप को नियंत्रित करना। यानी विलियम हार्वे जी ने कहा था कि जब तक ब्लड हमारे शरीर में मूव करेगा यानी चलेगा, तब तक क्या करेगा, ताप को नियंत्रित करेगा। देखिए ब्लड हमारे शरीर में 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से क्या होता है, आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक। और हमारे शरीर का जो ताप होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री होता है और 98.4 फारेनहाइट होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक, इतना होता है। और ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से यानी रक्त परिसंचरण की वजह से है, क्या रहता है, नियत रहता है, यानी इसका ताप हमेशा घटता बढ़ता नहीं है। दूसरा कार्य देखते हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी जो हमारे शरीर में पोषक पदार्थ हैं उसको ले जाने का कार्य कौन करता है, ब्लड करता है। और वहीं देखते हैं गैसों का परिवहन, यानी O2 का, CO2 यानी ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करवाता है, तो ब्लड करवाता है। देखिए ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, और ऑक्सीजन को ले आने का भी कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करवाता है। तो इसका अगला कार्य देखते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, जो हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, वेस्ट पदार्थ होते हैं जिनका कोई कार्य नहीं होता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कौन कराता है, ब्लड। ऐसा नहीं कि ब्लड शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कर्षण करवा देता, बस ये ब्लड से छान छान के अलग कर देता, यानी ब्लड से दूर कर देता है, तो वो क्या, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कहलाता है। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड उत्सर्जी पदार्थ जैसे हमारा यूरिन हो गया, स्वीट हो गया यानी पसीना हो गया, उसको ला के अलग कर देगा, और अलग करने के बाद दे देगा